वेलकम टू स्पंदन एकेडमी टुडे बी रीड सिविक्स ऑफ सिक्स क्लास चैप्टर थर्ड यूनिट सेकंड व्हाट इज गवर्नमेंट सरकार क्या है एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल्स और हाउ टू रिड्यूस The price of onion when they get too expensive, or way in increase a supply of electricity. The government also take action on many social issues. For example, it has uh, several programs to help the poor. It does. अदर्स इम्पोर्टेंट थिंग्स सर्च ए रनिंग पोस्टल द रेलवे सर्विस गवर्नमेंट क्या है सरकार क्या है इसके विषय में हम पढ़ेंगे तो आपने पहले कभी सरकार का नाम सुना है जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि सरकार क्या है ये हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है सरकारें क्या करती हैं डिसीजन कैसे लेती हैं और अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकारें राजतंत्रीय सरकारों के बीच में क्या डिफरेंस है इसमें इस, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता पड़ती है सड़ सर, सड़कें स्कूल कहाँ बनाएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी वस्तु के दाम कैसे घटाएं अथवा बिजली आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है एग्जाम्पल के लिए आ, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी होती है देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले स्वास्थ्य सुविधाएं मिले जे हैं और इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे सुनामी भूकंप जो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है बाढ़ आ जाती है है ना कहीं कोई विवाद होता है तो अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय भी सरकार का ही अंग होता है लेवर्स ऑफ गवर्नमेंट नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबिल फॉर शो मैनी different things can you think of how it मेजर to do all these government के विषय में है कि सरकार के स्तर सरकार के स्तर आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है क्या आपने सोचा है कि सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती होगी दरअसल सरकार अलग अलग राज्यों और स्तरों पर काम करती है स्थानीय व स्थान के क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर करती है स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गांव, शहर और मोहल्ले और राज्य स्तर का मतलब होता है पूरे राज्य का ध्यान रखना तो ये जो मैप है मैप में दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा और असम की सरकारें पूरे राज्य पर कैसे वो करती हैं इसके विषय में बताया है लॉज एंड द लॉज इन द गवर्नमेंट सरकार ए बम कानून द गवर्नमेंट में मेक लॉर्ड्स एंड एवरी वन हुव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिज दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फैक्चर सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है सरकार के पास जैसे कानून बनाने का कानून बनाने की जो ताकत होती है वैसे ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए वाध्य किया जाए उदाहरण के लिए कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और अगर कोई लाइसेंस बिना गाड़ी चलाए तो उसको पकड़ा जाए और उसको मतलब सजा दी जाए टाइप ऑफ़ गवर्नमेंट सरकार के प्रकार सरकार को निर्णय लेने और कानून का कानूनों का पालन करवाना यानी उन्हें बाध्य करना की शक्ति देता है इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर डिपेंड करता है कि देश में कैसी सरकार है लोकतंत्र में जो लोग जो सरकार को को शक्ति देते हैं लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं एक बार चुनने जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है जो सफाई देनी होती है एक दूसरे दूसरी तरह से सरकार होती है जिसे राजतंत्रिय सरकार कहते हैं जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है राजा के पास सह सहलकारों और एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके पास होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतंत्र तांत्रिक सरकार इंडिया इज दे डेमोक्रेटिक भारत एक लोकतंत्र है लोकतंत्र है तांत्रिक व्यवस्थाएं पाने के लिए हमें लंबी लड़ा लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है लोकतांत्रिक सरकार संसार में भी कई देश हैं जहां लोगों को लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके पास विश्वास कर क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेती थी अपने शुरुआत दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी थीं जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी इसका मतलब था कि औरतें गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनते थे ओके स्टूडेंट थैंक यू